नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर, जहां पे लगातार गिरावट हो रही है। तो गिरावट कौन से लेवल के ऊपर रुकेगी दोस्तों? आप सबको पता है दोस्तों कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या था दोस्तों। हमने वीडियो बना के आपको अपडेट कर दिया था कि यहाँ से अब गिरावट रुकने वाली नहीं है, बट दोस्तों एक ऐसे लेवल के आसपास आ रहा है और टेक्निकली भी लग रहा है दोस्तों। विथ लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों उस लेवल पे गिरावट शायद रुक सकती है दोस्तों, देखते हैं। क्योंकि दोस्तों हमने बहुत बार उस लेवल के ऊपर, उस ट्रिक के ऊपर बहुत सारे स्टॉक में दोस्तों सिंटेक्स है, ओरियंट ग्रीन पावर है, सब में गिरावट रुकी थी, तो यहाँ पर भी रुकने के चांसेस है। क्या है लेवल उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। गैस सेक्टर एनालिसिस के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है, सारे स्टॉक का डिस्कस किया है और दोस्तों बहुत ही बढ़िया मोमेंटम चल रहा है दोस्तों। कल बात किया था HEG और ग्रेफाइट इंडिया दोस्तों। आज HEG का शेयर प्राइस दोस्तों 4% से ज़्यादा की तेजी दी है दोस्तों। ग्रेफाइट इंडिया में दोस्तों मूवमेंट नहीं आया। और टाटा मोटर्स में दोस्तों मैंने बोला था कि गिरावट के बाद दोस्तों मौका मिल सकता है या धोखा मिलेगा दोस्तों। आज दोस्तों जो हमारे लेवल डिस्कस किए थे उस लेवल के ऊपर गया ही नहीं है, बट दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों अगर उस लेवल के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो फिर आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर मिलने की संभावनाएँ है। अब हम स्टार्ट करते हैं BCG ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड दोस्तों। 92.85 का दोस्तों क्लोजिंग प्राइस है, -4.85% की गिरावट है दोस्तों, -4.96% की दोस्तों गिरावट यहां पे रखी हुई है। अगर दोस्तों स्टॉक ओपन हुआ है 9285 का और दोस्तों हाई भी वही लेवल पे बनाया, लो भी उसी लेवल के ऊपर बनाया, यानी कि लोअर सर्किट के ऊपर कारोबार में काम कर रहा है दोस्तों। सेलिंग प्रेशर देखें तो 5,92,20 क्वांटिटी अभी भी सेल्स में पड़ी हुई है दोस्तों। क्वांटिटी ट्रेड हुई है 3,48,000 और डिलीवरी क्वांटिटी भी वही है दोस्तों, यानी कि ये बिल्कुल लोअर सर्किट के ऊपर चल रहा है दोस्तों। न्यूज़ क्या आया था कि दोस्तों SEBI ने ऑडिटिंग रिपोर्ट की थी सामने, कंपनी ने अपने क्लैरिफिकेशन डाले, बट इन्वेस्टर उससे हैप्पी नहीं है, फ्रॉड का मामला लग रहा है, ऐसा इन्वेस्टर्स का ग्रुप का मानना है, उसकी वजह से हो रहा है दोस्तों ये लगातार गिरावट दोस्तों। ब्राइटकॉम ग्रुप दोस्तों पिछले 5 दिनों में देख लीजिए दोस्तों, कंटिन्यूस लोअर सर्किट है, जब हमने वीडियो बनाया उसके बाद कंटिन्यूस है, और एक मंथ के अंदर दोस्तों 41.42% की गिरावट है, जो काफ़ी दोस्तों एडमायरेबल है। अब 6 मंथ के अंदर दोस्तों देखेंगे तो इतनी गिरावट के बाद भी स्टॉक में 158% का दोस्तों तेजी बना है, और 1 साल के अंदर देखा जाए तो दोस्तों 1134 का तेजी बना है दोस्तों, और 5 साल के अंदर 1115 का तेजी है, और मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए तो दोस्तों 309% का दोस्तों तेजी है, और कंपनी दोस्तों 2015 से लिस्टेड है, जब 22 रुपये का प्राइस था। अब गिरावट कौन से लेवल के ऊपर रुकेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके पास वीकली चार्ट है दोस्तों, तो वीकली चार्ट के ऊपर स्विंग लो मैंने कंसीडर किया है 3.40 का, और स्विंग हाई हमारा जो रिसेंट हाई बना था दिसंबर 2021 का 24 दिसंबर का, उसको कनेक्ट करके जो लेवल निकल रहा है 204.80 से 61.8% का रिट्रेसमेंट। अब सारे रिट्रेसमेंट को तोड़ दिया है तो 61.8% का रिट्रेसमेंट जो आ रहा है वो 80 रुपीज़ का निकल के आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए कि दोस्तों अभी 92 का प्राइस है, अगर 92 का 5% अगर दोस्तों डाउन करेंगे तो अराउंड आएगा स्टॉक का प्राइस 87-88 के आसपास, और उसके बाद का लोअर सर्किट है जहाँ पे दोस्तों चांसेस है कि वहाँ पे 80% का आएगा। अब दोस्तों ये आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेवल मिल गया, अब इसको मैं डेली चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे गिरावट आई थी और न्यूज़ के ऊपर एक दिन चला, फिर दोस्तों कंटिन्यूस आ गया था। अब रीज़न समझिए और लॉजिक को समझिए दोस्तों, ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन ग्रीन लाइन है दोस्तों वो 200 डे का मूविंग एवरेज है, और उसका लेवल भी दोस्तों 82-83 के आसपास आ रहा है। तो एक हमें 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों, और हमारा जो लेवल है 80.33% वो भी दोस्तों उसी के आसपास आ रहा है, सेम डे दोनों लेवल को ट्रिगर करेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे आप समझिए कि दोस्तों ये जो लेवल है, दो लाइन है जो 20 डेज मूविंग एवरेज हाई और लो का दिखा रही है दोस्तों, हाई और लो से दोस्तों अब काफ़ी डिस्टेंस बन चुका है, और जब भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनेगा तो एक बाउंस बैक की संभावनाएं बनती है। जब भी दोस्तों आप देख लीजिए, जब भी ज़्यादा डिस्टेंस बना है तो फिर दोस्तों थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, जब भी स्टेबल होने की कोशिश की है तो यहाँ पे पूरे चांसेस बन सकते हैं कि 61.8% का रिट्रेसमेंट जो हमारा गोल्डन रेशियो माना जाता है वहाँ पे 80.33 यानी कि 80 का लेवल पकड़ लो, वहाँ से दोस्तों शायद
शायद यहाँ पे कोई अच्छा न्यूज़ आए, कुछ भी आ जाए, वो आपको रिवर्सल देने की संभावनाएं रखते हैं। अब 61.8% का रिट्रेसमेंट क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको वीकली चार्ट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। ये हमारा सिंटेक्स इंडस्ट्री का वीकली चार्ट है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हो तो आपको पता है दोस्तों कंटिन्यूअस गिर रहा था स्टॉक दोस्तों, 7 जनवरी से कंटिन्यूअस दोस्तों लोअर सर्किट में चल रहा था। अगर डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो कंटिन्यूअस दोस्तों लोअर सर्किट था यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन था दोस्तों। अब उस टाइम पे दोस्तों रीज़न क्या था कि दोस्तों ईटी जो है अपना इकोनॉमिक्स टाइम्स, वहाँ पे आया था कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस होगी, जो रिटेल शेयर होल्डर है उनको कुछ मिलने वाला फ़ायदा नहीं है, स्टॉक का प्राइस जीरो हो जाएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आया था और यहाँ पे दोस्तों 61.8% का जो हमारा रिट्रेसमेंट था वहीं से दोस्तों बाउंस बैक किया, फिर दोस्तों 50% के रिट्रेसमेंट में गया, फिर नीचे आया, वहाँ पे बेस बनाया, अब दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। तब भी देखेंगे कि दोस्तों गैप जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था 20 डे के मूविंग एवरेज का, तो हो गया था। अब दोस्तों 200 डे के मूविंग एवरेज से तब दूर था, बट ये स्टॉक के हमारा बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ हमने एक स्टॉक के ऊपर बात नहीं की दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन पावर के ऊपर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन था कि कंटिन्यूअस दोस्तों गिरावट आ रही थी दोस्तों, कंटिन्यूअस गिरावट आई थी, और हमें वहाँ पे भी 61.8% का जो हमारा रिट्रेसमेंट था वहाँ से दोस्तों बाउंस बैक मिला था। तो दोनों बार हम लोग सही साबित हुए थे और 61.8% के रिट्रेसमेंट को टच करके ही स्टॉक अपवर्ड जर्नी में गया था, बट थोड़ा ही गया, फिर दोस्तों नीचे आ गया। अब दोस्तों 61.8% के नीचे है, तो मैंने आपको जो ग्रीन पावर का वीडियो था तो तब मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि यहाँ पे दोस्तों संभल के दोस्तों अभी आपको कुछ नहीं करना है जब तक 61.8% के नीचे। अब दोस्तों 20 डे के मूविंग एवरेज से भी आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों वहाँ पे भी काफ़ी डिस्टेंस था, तो फिर दोस्तों बाउंस बैक आएगा। इस बार भी दोस्तों BCG में अगर आप देखोगे तो सेम सिचुएशन है, 20 डे का मूविंग एवरेज से भी काफ़ी बड़ा डिस्टेंस बना दिया है स्टॉक ने, तो चांसेस पूरे हैं कि यहाँ पे जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है जो हमारा 8.33 है वहाँ पे दोस्तों होने की संभावनाएं ज़्यादा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यूज़र का क्वेरी था JK टायर के ऊपर दोस्तों। अब JK टायर जो है दोस्तों, टायर सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है, पहली बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो इनपुट प्रेशर है दोस्तों, इनपुट जो कॉस्ट है दोस्तों उसके ऊपर प्रेशर आएगा। किसकी वजह से आएगा, तो वो प्रेशर आएगा हमारा दोस्तों जो अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोस्तों, उसमें आपका जो क्रूड प्राइस इंक्रीज होगा तो वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है और उसकी वजह से आता है। यहाँ पे स्विंग लो से स्विंग हाई अगर आप कंसीडर करते हो तो 50% का रिट्रेसमेंट जो आ रहा है 101 का आ रहा है, अब वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। 200 डे का मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये वीक में सपोर्ट, यहाँ पे आप डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट आइडिया आएगा, तो 200 डे के मूविंग एवरेज से तो निकल चुका है, बट दोस्तों ये दो दिन में थोड़ा ऊपर आए क्योंकि दोस्तों 20 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास अगर है ये स्टॉक, तो अभी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो 101.60 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप बने रह सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 85 का लेवल है जहां पे टच होकर रिवर्सल होने की जाना चांसेस होते हैं कोई भी स्टॉक के, बट दोस्तों ये जो मोमेंटम आए वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है। डेली चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली दिखा कि हर दिन दोस्तों लोअर बना रहा था स्टॉक, और उसी की उसके पीछे के रीज़न है कि दोस्तों जो रॉ मटेरियल है उसके कॉस्टिंग में प्रेशर आएगा तो मार्जिन पे इंपैक्ट होगा, और वो सिर्फ JK टायर के ऊपर नहीं है, पूरे टायर सेक्टर की कहानी है, पूरे सीमेंट सेक्टर की कहानी है, पूरे पेंटिंग सेक्टर की कहानी है। सब स्टॉक जो क्रूड ऑयल से जुड़े हुए हैं, क्रूड के प्राइस में अचानक से इतना ज़्यादा दोस्तों राइज हो गया है, तो वो जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो मैनेज करना किसी भी कंपनी हो दोस्तों उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। JK टायर में भी सेम सिचुएशन होने वाली है दोस्तों, तो उसकी वजह से आप इसमें अगर है लंबे अवधि के इन्वेस्टर है तो दोस्तों टायर स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म ही किया है। JK टायर भी काफ़ी अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, बट दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो नेगेटिविटी है तो हो सकता है कि हो जाए, बट अगर वहाँ से रशिया और यूक्रेन से कोई अच्छा न्यूज़ आता है तो पूरा सेक्टर रिवाइव होगा, और दोस्तों क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म होगा, तो बाउंस बैक जितना जल्दी गिरा है उतना ही अच्छा बाउंस बैक दे सकता है ये सारे स्टॉक आपको दोस्तों। और
अभी दोस्तों बाय करना है तो मैं फिलहाल सलाह नहीं दूंगा आपको कि बाय करना चाहिए यहाँ पे 101 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बाय करने में थोड़ा सा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर 50% का डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा तो दोस्तों ये लेवल P85 का लेवल हमें दिखा सकता है। अगर यहाँ से दोस्तों टेंशन रिलीज हो जाएगा तो क्रूड का पाइल कम हो जाएगा और आपको अपवर्ड मोमेंटम मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो दोस्तों मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बने, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए Angel One में दोस्तों आप ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।